अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। ये आपको वीडियो को लास्ट तक लास्ट में देखना होगा। अगर आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं देन आप वीडियो को लास्ट में एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिसर्च? बेसिकली रिसर्च होती क्या है? रिसर्च जो है ना, वो हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग ना फाइंडिंग करते हैं सोल्यूशन को, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग आइडेंटिफाई करने से ले के उसके पूरा एक प्रोसेस के थ्रू से गुजार के, सिस्मेटिक टूल होता है उसके थ्रू हम उसे गुजार के हम लोग रिसर्च तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो इधर भी उन्होंने वही लिखा हुआ है कि फाइंडिंग सोल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम आफ्टर ए थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ दिस सिचुएशनल फैक्टर। हम लोग सिचुएशनल फैक्टर्स को देख के एनालिसिस करते हैं और हमारे जो रिजल्ट आते हैं उसके बेस पे हम लोग रिसर्च को बताते हैं कि ये रिसर्च गुड है, बेटर है या पुअर है। ठीक है, इसी तरह वो आगे कह रहे हैं कि मैनेजर इज ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंटली एंगेज हिमसेल्फ इन स्टडिंग एंड एनालाइजिंग इश्यूज। जो मैनेजर होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हर टाइम मतलब स्टडी कर रहे होते हैं कि क्या फेस, मतलब उन्हें इशू आ रहा है जिसको वो लोग फेस कर रहे हैं उसके बारे में वो उसे इशू को एनालिसिस करते हैं, फिर उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं। इसी तरह आगे हमें बता रहे हैं, समटाइम्स मैनेजर मेक गुड डिसीजन एंड दी प्रॉब्लम गेट सॉल्व्ड। समटाइम्स जो होते हैं ना मैनेजर, उनके पास मैनेजरियल स्किल्स इतनी अच्छी होती हैं कि वो गुड डिसीजन करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और समटाइम ऐसे होते हैं कि जो हमारे पास रिसर्च होती है ना, वो बेसिकली मतलब बहुत हाई लेवल पे होती है या हमारी हम उसको अच्छे तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर रहे होते, तो हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो उसके आउटपुट मतलब बिल्कुल उसके ना ऑपोजिट आते हैं। ठीक है, तो फिर हमारी जो रिसर्च है उससे ना वो कंसीडर करते हैं कि पुअर डिसीजन के ऊपर ये ना रिसर्च कंडक्ट की गई है। फिर आगे उन्होंने बता रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन मेकिंग गुड डिसीजन एंड पुअर डिसीजन लाइज इन हाउ मैनेजर्स गो अबाउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यही जो चीज़ है ना, मतलब रिसर्च जब हम लोग कर लेते हैं और उसकी बेस के ऊपर ही हम लोग ये लाइक करते हैं कि ये मैनेजर ने गुड मतलब डिसीजन करने वाला है या फिर बैड डिसीजन लेने वाला है। ठीक है, उसके बाद वो हम बता रहे हैं कि उसी चीज़ को वो आगे लेके चल रहे हैं कि गुड डिसीजन मेकिंग फैचिस इज येस आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, डू मैनेजर आइडेंटिफाई वेयर एग्जैक्टली द प्रॉब्लम लाइज। जो अच्छा मैनेजर होता है, जो गुड डिसीजन करता है, वो ना आइडेंटिफाई कर लेता है कहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट कर रही है, वो उस प्रॉब्लम के बारे में फिर मतलब उसके ऊपर रिसर्च करता है और स्टडी करता है उस प्रॉब्लम को, देन उसके पास रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, डू दे करेक्टली रिकॉग्नाइज द रेलिवेंट फैक्टर्स इन द सिचुएशन नीडिंग इन्वेस्टिगेशन। उसके ऊपर जब वो उसे प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लेते हैं तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो करता है वो फिर उसकी अच्छी और मतलब करेक्टली जाती है और गुड जाती है। ठीक है, डू दे नो द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर बी गैदर्ड एंड हाउ। फिर वो जानते हैं कि उसे जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह गैदर करनी है, किस किन लोगों से करनी है, उसकी टारगेट पॉपुलेशन कौन सी होगी, किस से उसे वो सर्वे जो है फिल करवानी है, कोई एमएस से मतलब लोगों से ऐसे आकर सर्वे नहीं फिल करवानी। अगर आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि मतलब आप सर्वे किस से फिल करवा रहे हैं, क्या आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो आपकी उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, या आप वैसे जो छोटे बच्चों के पास जा के उन्हें कह रहे हैं कि जी ये आंसर लगा दें, ये आंसर लगा दें। तो इस तरह भी हम लोग हम मेयर करते हैं कि हमारी रिसर्च गुड है या फिर बैड है। पता है बिजनेस रिसर्च, बिजनेस रिसर्च के अंदर बेसिकली वो हमें बता रहे हैं कि बिजनेस रिसर्च क्या होती है। एक तो आप लोगों ने रिसर्च पढ़ा ना, एक ये बिजनेस रिसर्च क्या है, अगर आप लोग पेपर करते हैं तो उसमें भी आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस रिसर्च एंड रिसर्च। ठीक है, बिजनेस रिसर्च ये वो रिसर्च होती है जो कैन बी डिस्क्राइब एज ए सिस्मेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू इन्वेस्टिगेट ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जो हम किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ले के उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। ठीक है,
किसी एक बिजनेस, मतलब अगर हम मैं सपोज हम लोग को सपोज करें कि हमारे पास जो है मैं बिजनेस है, ठीक है, उसके अंदर कोई एक भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है ना, जैसे सेल्स को इंक्रीज करना है या फिर अपनी इफेक्टिवनेस देखनी है अपने एम्प्लॉयज़ की, मैनेजर्स की, ठीक है, उसको हम लोग किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये एक हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके ऊपर जब हम लोग रिसर्च करेंगे तो ये बिजनेस रिसर्च हो जाएगी, ठीक है। बिजनेस रिसर्च कंप्राइज सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब ये सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट विद द गोल ऑफ फाइंडिंग आंसर्स टू द इशू डेट आर ऑफ कंसर्न टू द मैनेजर इन द वर्क इन्वायरमेंट, जो किसी भी मैनेजर को उसके वर्क इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। एक्टिविटीज़ जो मतलब मैनेजर्स होते हैं ना, वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे अगर आप लोग देख लें अकाउंटिंग वाले फाइनेंस वाले हैं, उनको फाइनेंस मैनेजर जो होते हैं वो लोग अपने फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज को मतलब डायग्नोज करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं, ठीक है। नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन उनके पास फुल होती है, मतलब अकाउंटिंग टेक्निक्स क्या चीज़ें हैं वो सारा कुछ उनके पास ना ए टू जेड इन्फॉर्मेशन होती है। ये जो सब सारा नॉलेज होता है ना उसके पास, किसी भी मैनेजर के पास, वो उसे रिसर्च उसकी बेस के ऊपर वो रिसर्च कंडक्ट करता है कि मतलब हमारे पास ये वाली टेक्निक्स हैं, इसको यूज़ करते हुए हम लोग सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, हम लोग इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को इम्प्रूव करें या फिर उनके स्किल्स को इम्प्रूव करें। ये मतलब हर मैनेजर अपने स्किल्स और उसके अकॉर्डिंग देख के वो फिर रिसर्च को कंडक्ट करता है। जो ये जो मैनेजर होते हैं ना, ये कंप्राइज सीरीज ऑफ स्टेप्स को मतलब फॉलो करते हैं, वो वाले फॉलो वाले जो प्रॉब्लम होते हैं ना उन्हें सॉल्व करते हैं जो वर्क इन्वायरमेंट के अंदर मैनेजर को प्रॉब्लम मतलब आते हैं, फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिसर्च होती है ना, वो बेसिकली हम लोग किसी एक सेटअप के लिए नहीं हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग रिसर्च किसी भी टॉपिक पे ले मतलब टॉपिक को लेके कर सकते हैं। मतलब हमारे पास कोई सेटअप तो नहीं है, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन के लिए गैदर करने के लिए, या फिर हम लोग किसी भी रिसर्च अगर हमने पेपर पढ़ा है तो उसे हम लोग देखने के लिए हम लोग जो है ना रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च और बिजनेस रिसर्च में ये मतलब डिफरेंस है इन दोनों में।